नमस्कार दोस्तों मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है फ्रेंड्स मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का ये सेट लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस विद बासल थ्री गाइडलाइंस इज टू बी कंप्लीटेड बाई ऑल द बैंक इन इंडिया आपको मालूम है बासल थ्री गाइडलाइंस के लिए पहले 31 3 2019 की डेट डिसाइड हुई थी जिसे बढ़ा के अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2020 कर दिया गया है तो आपका आंसर क्या आएगा 31st मार्च 2020 ये पहला आंसर है आपका दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं व्हेन ए गारंट लोन इज पेड गारंटर एक लोन है जिसकी गारंटी दी हुई है किसी ने गारंटर ने ही गेट्सिड टू बी स्टेपिंग देखिए और पैसा पे नहीं कर रहा है और गारंटर पैसा पे कर रहा है इट मीन ही शूज ऑफ द डेटर इसे कहते हैं दूसरे के जूते में अपना पैर डालना तो इस राइट को कहते हैं गारंटर जो को जो, जो ये राइट मिलता है जब गारंटर की जगह बोरो का पैसा पे करता है तो गारंटर को राइट मिलता है उसे कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है द टर्म कोर कैपिटल और गोइंग कंसर्न कैपिटल इन द कंटेक्स बासल थ्री रिप्रेजेंट विच ऑफ फॉलोइंग फ्रेंड्स मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में बासल थ्री का जो वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें बताया है आपको गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है और गोन कंसर्न का मतलब क्या है गोइंग कंसर्न का मतलब होता है जब तक बैंक का लॉस टीयर वन कैपिटल के अंदर है तब तक वो गोइंग कंसर्न के कैपिटल कहलाती है और जैसे ही टीयर वन से ज्यादा होने पर लॉस अगर किसी भी कंसर्न का लॉस टीयर वन से ज्यादा हो जाता है और टीयर टू में से अगर वो पैसा लेना पड़े तो दैट इज गोन केस यानी कि उस बैंक को लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा इसलिए टीयर वन कैपिटल को गोइंग कंसर्न कैपिटल कहा जाता है और टीयर टू कैपिटल को गोन कंसर्न कैपिटल कहा जाता है तो यहां गोइंग कंसर्न कैपिटल का क्वेश्चन पूछा है आपसे तो कौन सी कैपिटल आएगी आपकी टीयर वन कैपिटल तो आंसर आएगा आपका बी ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर द प्रीमियम पेबल ऑन डीआईसी हंड्रेड पर एन एम सौ रुपए के डीआईसी कवर पे कितना प्रीमियम लगता है इसमें प्रीमियम लगता है दस पैसा फ्रेंड्स डी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डी इन दिनों चर्चा में इसलिए भी है कि हाल ही में पीएमसी बैंक ने डिफॉल्ट किया था आपको मालूम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने और एक लाख रुपए का मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है डी से तो इस पर यह डिमांड भी आई थी कि इस इंश्योरेंस को बढ़ाया जाए तो इसकी वजह से डीआईसी जी इन दिनों चर्चा में है इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सौ रुपए का अगर इंश्योरेंस डीआईसी करता है तो उस पर दस पैसे का प्रीमियम चार्ज करता है ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वेन ए लोन इज गिवन बाई ए बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे रिसीट आर आर और गुड्स रिटिप जी आर इश्यूड बाई ए ट्रांसपोर्ट कंपनी विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड देखिए यहां चार्ज दिया हुआ है आपको प्लेज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट और लीन इस तरह देखिए ये चार्ज का आप कंसेप्ट बैंक का नोट है परंतु उसका पोजिशन कस्टमर के पास है जैसे व्हीकल लोन ठीक है असाइनमेंट कहां लगता है असाइनमेंट लगता है जैसे एल पॉलिसी को आप असाइन कराते हैं जहां एक्शनेबल क्लेम होता है या जहां फ्यूचर इनकम होती है वहां पे चार्ज लगता है आपका असाइनमेंट और प्लेज कहां लगता है पजेशन भी बैंक के पास होता है और चार्ज भी बैंक का होता है जैसे आपकी एन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंदिरा विकास पत्र ये गुड्स रिसीट जी आर, या रेलवे रिसीट इस पे आपका चार्ज लगेगा प्लेज तो आंसर आएगा आपका ए प्लेज ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन है अभी अभी आरबीआई ने अक्टूबर में गाइडलाइन इश्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अंडर ऑन टेप ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ कंडीशन फॉर भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग किसी भी यूनिट को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट होने के लिए उसकी नेटवर्थ कम से कम सौ करोड़ रुपए होनी चाहिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन

कैपिटल कंजर्वेटिव टोटल कैपिटल आपको होना चाहिए बैंक का कैपिटल होना चाहिए 11.50 तो आंसर है आपका बी और इसके लिए डेडलाइन दी हुई है ट्वेंटी 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 ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज द मिनिमम सीआरआर एज पर द आरबीआई एक्ट आरबीआई एक्ट के अनुसार सीआरआर मिनिमम कितना होना चाहिए कोई मिनिमम नहीं है कोई मैक्सिमम नहीं है सीआरआर के लिए तो आंसर आएगा नो मिनिमम ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये 15, 2000. बिल पेमेंट से आपको जरूर आएगा. तो इसे जरा ध्यान से सुन लें बिल प्रेजेंट हुआ पंद्रह मई दो हजार फिफ्टीन फाइव 2017 थाउजेंड सेवेंटीन को बिल प्रेजेंट हुआ एंड एक्सेप्टेड ऑन सिक्सटीन फाइव टू थाउजेंड सेवेंटीन तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से चलते हैं पहली बात तो हम तो इसको तमाम तो क्रॉस कर देते हैं तो फर्स्ट हम डेट लेंगे 16, 5, 2017. इस ड्यू ड्यू डेट डेट ऑफ पेमेंट पेमेंट अब इसका पेमेंट का कब तो दो महीने करेंगे, तो ये हो गया टू थाउजेंड सेवनटीन और आपको मालूम है बिल्स के तीन दिन का ग्रेस पीरियड लगता है तो डेट क्या आ गई आपकी नाइनटीन जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन ओके तो आंसर आएगा आपका बी नाइनटीन जुलाई 2017 अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे ए लोन टू एन एमएससीन गारंटेड बाई सी जी टी एम एसडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल वॉट इज द रिस्क वेट ऑफ द गारंटीड पोर्शन ऑफ दिस लोन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल रेशियो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें अगर आपसे सीजी टी एमएसई के बारे में पूछा जा रहा है तो यहां पर रिस्क वेट है जीरो परसेंट परंतु ये लोन अगर ईसीजीसी से कवर होता एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन से तो आंसर आता आपका ट्वेंटी परसेंट तो इस केस में आंसर आएगा जीरो परसेंट और अगर सीजीटीएमएससी बिल भी रिप्लेस ईसीजीसी तो आंसर आएगा आपका ट्वेंटी परसेंट तो आंसर आ गया इसका ए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन द मैक्सिमम लिमिट फ्रेंड्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं ऐसे ही करीब हमने 700 प्लस क्वेश्चंस का सेट हमारी वेबसाइट पर डाला हुआ है जो हमने ऊपर दी हुई है आपको डब्ल्यू अगर आप एग्जाम की प्रॉपरली तैयारी करना चाहते तो मैं यहां डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं साइट को एक बार विजिट कर लें और अगर आपको यूजफुल लगे तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैक्सिमम लिमिटेड डेढ़ लाख रुपए एक साल में मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है पेंशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च देखिए मार्च का जो पेंशन होता है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल को जमा होता है अप्रैल जनरली बैंक हॉलीडे होता है तो सेकंड अप्रैल को जमा हो गया नहीं फर्स्ट वर्किंग डे जो भी पड़ेगा परंतु बाकी महीनों का जो पेंशन का पेमेंट होता, होता है वो लास्ट फोर डेज में क्रेडिट होता है ठीक है तो ये मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च का आएगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन फ्रेंड्स थर्टीन से लेकर ट्वेंटी तक के क्वेश्चन मैंने जनरल अवेयरनेस से लिए बैंकिंग अवेयरनेस से लिए हैं जिसे आप जीके का पार्ट भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कहता है विच बैंक हैज पार्टनर विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे जेम भी बोलते हैं फॉर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज देखिए जैसे अमेजॉन है जैसे फ्लिपकार्ट है उसी तरह से गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस बनाया है जेम्स के नाम से जीएम पेमेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए इसके लिए 18 पब्लिक सेक्टर बैंकों से इन्होंने टाई अप किया है जिसमें Central Bank of India भी है बाकी है नहीं है स्टेट बैंक से टाई अप नहीं है 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 इससे टाई अप नहीं है। से नहीं से से में इसका टाई अप है फेडरल से। तो क्वेश्चन जिस तरह का पूछा जाता है उस तरह का ही आपको आंसर देना है इसके सेंट्रल बैंक के अलावा इनका इंडियन बैंक से भी टाई अप है ठीक है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगला क्वेश्चन है बीएसएनएल हैज पार्टनर विद लेट यूजर्स कनेक्ट टू नियर बाई वाई फाई हॉट स्पॉट देखिए बी एस एन एल अभी खबरों में है, आपको पता है तो बी एस एल ने पेटीएम के साथ टाइप किया है ताकि उसके बीएसएनएल फायदा ले सके चूंकि मार्केटिंग करना है बी एस एन एल को इसलिए अब टाइप मोड में है तो इन्होंने पेटीएम से टाइप किया है तो आंसर आएगा इसका पेटीएम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एज लॉन्च ग्रीन वॉन्ड फंड फॉर सेंट्रल बैंक टू प्रोमोट ग्रीन फाइनेंस ग्रीन फाइनेंस यानी एनवायरमेंट के लिए है ये और देखिये सेंट्रल बैंक को इशू कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक का बैंक कौन? बैंक कौन है सेंट्रल बैंक का बैंक है बी आई एस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जिससे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बैसल में और बैसल नॉम्स इसी के अंडर में बनते हैं इसी बी सी बी एस जो बना हुआ है वो भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंडर में काम कर रहा है बी सी बी एस तो ग्रीन बॉन्ड फंड जो इश्यू किए हैं वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने इश्यू किए हैं तो आंसर आएगा आपका ए ओके ना कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इन विच कंट्री ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री ब्लॉक बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज बीन लॉन्च इसका आंसर है सिंगापुर सिंगापुर में ब्लॉकचेन बेस्ड कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया गया लॉन्च किया गया है तो आंसर आएगा आपका सी अब आते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पे नंबर हु हैज बीन इलेक्टेड एट चेयरमैन ऑफ आई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आ सकता है आंसर है रजनीश कुमार अभी अक्टूबर में रजनीश कुमार को आईबीए का नया चेयरमैन बनाया गया है जो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं दीनबंधु मोहपात्रा को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है म शेखर नहीं आईओबी के चेयरमैन है ये नहीं है सुनील मेहता एक्स चेयरमैन है आईबीए के तो आंसर आएगा इसका रजनीश कुमार ओके नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन बैंक विच इज फर्स्ट इंडियन बैंक कनेक्टेड टू चाइना नेशनल पेमेंट सिस्टम चाइना के नेशनल पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट होने वाला पहला इंडियन बैंक कौन है जाहिर है सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट इंडियन बैंक विच इज कनेक्टेड टू चाइनाज नेशनल पेमेंट सिस्टम तो आंसर आ गया आपका सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लास्ट सेगमेंट में है दोस्तों इससे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं हमने अपनी वेबसाइट डब्ल्यू 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 मोटिवेशनल मोटिवेशनल बैंकर डॉट कॉम पर करीब सेवन हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस का सेट बनाया है जो पचास पचास क्वेश्चन के सेट दिए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस तरह के क्वेश्चन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन का एक्सटेंशन है उसमें तो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट ज्वाइंट मास मीडिया कैंपेन विद द स्लोगन ये स्लोगन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाना चाहिए ऐसा मेरा सोचना है स्लोगन क्या है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने एक स्लोगन डाला है जो जॉइंट मास मीडिया कैंपेन है लाइफ इंश्योरेंस है तो सब है लाइफ के साथ इंश्योरेंस भी सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और अपनों के लिए और अपने लिए तो इसका कैंपेन जो स्लोगन लॉन्च किया गया उसका नाम है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस ओके और लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ है और ए टी एम के चार्जेज और उसकी फीस से रिलेटेड जो पेनल बनाया आरबीआई ने रिव्यू करने के लिए उसके हेड है विजी कन्न तो ये बीस क्वेश्चन का सेट फ्रेंड्स में आपके लिए अपलोड कर रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं इसमें से एक दो क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको काफ़ी बड़ी हेल्प होगी फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको समय समय पर जब जब मैं वीडियो अपलोड करता रहूं आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो